I think only two of the names are my nicknames. Lord is just a meme which started in social media, I think. But yeah, pretty happy that I'm getting so much love from my teammates, from everyone, that they want to call me by a certain nickname. So very happy about it. India ne 50 saal baad England ke Kennington Oval mein test match jeeta aur Rohit Sharma man of the match rahe, lekin test match ka Lord and Thakur सिर्फ एक ही था, शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर टॉप स्कोर्ड विद 57 इन इंडियाज़ फर्स्ट इनिंग्स एंड बेल्ड हिज टीम आउट और फिर सेकेंड इनिंग्स में हिज 60 रन्स टुक इंडिया टू अ पोजीशन फ्रॉम वेयर दे कुडंट रियली लूज एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ शार्दुल ठाकुर ने अपने प्राइमरी रोल में एज अ बोलर तीन विकेट निकाले, इंक्लूडिंग द ऑल इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ जो रूट इन द फाइनल इनिंग्स। शार्दुल के परफॉर्मेंस के बाद सोशल मीडिया ने उन्हें लॉर्ड का टाइटल दे दिया, लेकिन लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की क्रिकेटिंग जर्नी की स्टार्ट कुछ अलग थी। शार्दुल के बारे में ऐसे हो गया कि शार्दुल हमारे स्कूल के अगेंस्ट खेल रहा था, कच्ची कप करके 45 ओवर की मैच थी। उस मैच में शार्दुल ने कुछ 5 विकेट निकाले थे, 78 रन बनाए। हालांकि मुझे बच्चे अच्छे लगते थे ऐसे परफॉर्मेंस करने वाले, तो जैसे मैच खत्म होने के बाद मैंने शार्दुल को बुलाया, मैंने अरे बेटा शार्दुल एक काम करना है, तो मेरे स्कूल में आ जा। तो शार्दुल के डैडी कंफ्यूज हो गए, मतलब नहीं सर एक्चुअली अभी 10th में भी जा रहा है और आपके स्कूल में आना है ने ऑलमोस्ट 6.5 घंटे का जर्नी हो जाएगा। तो एक दिन ऐसे मैं घर पर बैठा था तो मेरे वाइफ के साथ मैंने ऐसे बात छोड़ी, अरे एक लड़का घर पर रखना है तो चल सकता है क्या? तो वो मेरे पास देखने लगी, बट उसने इमीडिएटली कहा घर आपका है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको रखना है तो रख लो। तो मैंने इमीडिएट फ़ोन पर शार्दुल के डैडी को फ़ोन किया कि मैं मेरे घर पे रखना है। फिर शार्दुल घर पे आ गया, स्कूल ज्वाइन की और शार्दुल ने उसी साल एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, मैंने एक वो वर्ल्ड का तीसरा बल्लेबाज हुआ जिसने 6 बॉल पे 6 सिक्स, जैसे कि गारफिट्स ओवर रवि शास्त्री, उसके बाद शार्दुल। और वहाँ से शार्दुल लाइम लाइट में आ गया, मुंबई टीम के लिए अंडर 15 के लिए सिलेक्ट हुआ, वहाँ से शार्दुल की जर्नी चली। लॉर्ड ठाकुर के बैटिंग स्किल्स के बारे में उनके मुंबई टीममेट्स जानते ही थे। 2021 विजय हजारे ट्रॉफी में शार्दुल ठाकुर ने हिमाचल के अगेंस्ट अपना पहला लिस्ट A50 बनाया एंड इट वाज अ 92 फ्रॉम 57 बॉल्स। मुंबई में इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग कि यदि ठाकुर अपने बैटिंग को सीरियसली लें तो जेन्युइन ऑलराउंडर बन सकते हैं एंड वर्किंग हार्ड एट समथिंग इज नथिंग न्यू फॉर शार्दुल। शार्दुल को तो मैं टेक्निकली बताता नहीं, सिर्फ एक ही था कि जब शार्दुल ने डेब्यू किया था रणजी ट्रॉफी के लिए थोड़ा हिप्टी था, तभी मैंने उससे एक ही बात कही थी, देख शार्दुल तेरा वजन बहुत बड़ा है, थोड़ा फिटनेस के ऊपर ध्यान दे अपने घर। अभी बाद में वो पालघर अपने घर पे रहता था, तो पालघर के घर पे बस समुंदर था, तो मैंने उससे कहा कि समुंदर से जाओ के डेली रनिंग कर, थोड़ा अपना फिटनेस के ऊपर ध्यान देना। शार्दुल ठाकुर हैज द रॉ इंग्रेडिएंट्स टू बिकम अ जेन्युइन ऑलराउंडर। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए MS धोनी भी शार्दुल के बॉलिंग पर भरोसा करते हैं और जब आपको कैप्टन कूल का एंडोर्समेंट हो, यू मस्ट बी अ स्पेशल प्लेयर। इट्स स्टिल अर्ली डेज फॉर शार्दुल ठाकुर इन हिज इंटरनेशनल करियर, लेकिन ओवल टेस्ट को नजर रखते हुए यूं लगता है कि शार्दुल लंबी रेस का ठाकुर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।